हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर अपने एक सीन को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर लगातार खबरों में बनी हुई है। इंडिया में फिल्म विवाद में घिर गई है। दरअसल फिल्म में भगवद गीता से जुड़े एक सीन को लेकर विवाद है और इसको लेकर फैंस ने नाराजगी जताई है और फिल्म के बायकॉट की भी मांग सोशल मीडिया पर तेज होने लगी है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंसर बोर्ड से इस सीन को हटाने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विवादित सीन पर कड़ा रुख अपनाया है। अनुराग ठाकुर ने इस आपत्तिजनक सीन पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC से जवाब मांगा है। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को इस विवादित सीन को मूवी से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने विवादित सीन के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग में मंजूरी देने में शामिल सभी CBFC सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि इस फिल्म के मुख्य एक्टर इस फिल्म के एक सीन में भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ते दिख रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार के सूचना आयुक्त उदय माहौकर ने भी ओपनहाइमर के विवादित सीन को लेकर रिएक्ट किया है। उन्होंने सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की एक प्रेस विज्ञप्ति भी साझा की है और उन्होंने कहा कि हर कोई हैरान है कि CBFC इस सीन के साथ फिल्म को कैसे मंजूरी दे सकता है। तो आपको बता दें कि हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ओपनहाइमर के एक सीन को लेकर भारत में विवाद बढ़ गया है। दरअसल फिल्म में भगवद गीता से जुड़े एक सीन को लेकर विवाद है और लोगों ने इस फिल्म से इस सीन को तुरंत हटाने की मांग की है और अब सरकार द्वारा भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।